कई दिनों से बीमार चल रहे केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की देर रात हार्ट सर्जरी की गई। दिल्ली के एक अस्पताल में उनकी हार्ट सर्जरी हुई। जमुई सांसद और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। LJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने ट्वीट कर कहा कि पिछले कई दिनों से पापा का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कल शाम अचानक उत्पन्न हुई परिस्थितियों की वजह से देर रात उनके दिल का ऑपरेशन करना पड़ा। चिराग पासवान ने कहा कि जरूरत पड़ने पर संभवतः कुछ हफ्तों के बाद उनके पिता का एक और ऑपरेशन करना पड़े। चिराग ने कहा कि संकट की इस घड़ी में मेरे और मेरे परिवार के साथ खड़े होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बता दें कि बिहार चुनाव के अहम मौके पर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान बीमार चल रहे हैं। रामविलास पासवान की बीमारी की वजह से शनिवार को होने वाले LJP संसदीय बोर्ड की बैठक टल गई थी।